चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 11 की तरफ जिसमें हम लोग फाइंड करेंगे एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड और डिस्प्लेसमेंट बाय यूजिंग इक्वेशंस फाइंड द एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑसिलेटिंग एट द एंड ऑफ अ स्प्रिंग इफ द इक्वेशन फॉर इट्स पोजीशन एट एनी इंस्टेंट टी इज गिवन बाय एक्स इज इक्वल टू 0.25 कॉस पाई ओवर 8 टी फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट आफ्टर 2.0 सेकंड्स फाइंड हम लोगों ने क्या करना है एम्पलीट्यूड एक्स नॉट कि इसको फर्दर कैसे हम लोगों की एक्स इज इक्वल टू जीरो पॉइंट टू फाइव कॉज ऑफ फाइव बाई एट इन टू टी इसको हम लोग इक्वेशन वन कहते हैं वी नो दैट इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन डिस्प्लेसमेंट की जो इक्वेशन है वो क्या है एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉज ऑफ मेगा टी इसको हम लोग इक्वेशन टू का नाम दे देते हैं कंपेयरिंग इक्वेशन वन एंड टू कंपेयरिंग इक्वेशन वन एंड टू वन और टू को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास जो एक्स नॉट की वैल्यू आएगी स्टूडेंट वो क्या होगी जीरो पॉइंट टू फाइव मीटर बाकी वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगे फॉर पार्ट बी रिलेशन बिटवीन लीनियर फ्रीक्वेंसी एंड एगुलर फ्रिक्वेंसी इन दोनों के दरमियान रिलेशन क्या है ओमेगा इज इक्वल टू टू पाई एफ पुटिंग द वैल्यू ऑफ उमेगा फ्रॉम अबव वैल्यू पुट करेंगे ओमेगा की तो एफ क्या हो जाएगा हमारे पास ओमेगा ओवर टू पाई विच इज इक्वल टू पाई बाय टू पाई एट कैंसिल हो जाएगी वैल्यूज तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी वन ओवर सिक्सटीन

उसके बाद हम लोग देखेंगे पार्ट डी के अंदर डिस्प्लेसमेंट आफ्टर टू सेकेंड दो सेकंड के बाद जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो क्या होगी एज इक्वेशन ऑफ पोजिशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन एज जो हम लोगों को डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन गिवन है वो क्या है एक्स इज इक्वल टू जीरो पॉइंट टू फाइव कॉज ऑफ बाय बा टू टू टी इज इक्वल टू टू सेकेंड पुट करेंगे हम लोग तो क्या होगा एक्स विल बी इक्वल टू ज़ीरो पॉइंट टू फाइव कॉज ऑफ पाई बाय एट इंटू टू सो एक्स विल बी इक्वल टू जीरो पॉइंट टू फाइव कॉज ऑफ पाई बाय फोर फाई बाय फोर को हम लोगों ने पुट कर लिया फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स विल बी इक्वल टू जीरो पॉइंट टू फाइव कॉज ऑफ फोर्टी फाइव डिग्री

सो so स्टूडेंट्स आज के इस चैप्टर में हम लोगों ने ऑसिलेशन के बारे में पढ़ा जिसमें बहुत सारी वाइब्रेशन जो हैं जिनमें बॉडीज टू एंड फ्रो मोशन करती हैं अकॉर्डिंग टू इट्स मीन पोजिशन यहाँ पर हम लोगों ने सिंपल हार्मोनिक मोशन को भी पढ़ा सर्कुलर मोशन को भी पढ़ा और तमाम टॉपिक्स की हम लोगों ने कॉन्सेप्चुअल स्टडीज की जिसके साथ साथ एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स और एमसीक्यूज को देखते हुए हम लोगों ने ऑसिलेशन की वैल्यूज को इजीली इन्हांस कर लिया I am Usama bin Kamar, your on screen instructor of physics from tutorial.pk. Hope you are doing well. Allah Hafiz.